हे मिमी फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप तुसी सारे ठीक होवोंगे। दिस इज गुरिंदर कौर फ्रॉम चंडीगढ़। वेलकम बैक टू द ब्राउन ब्यूटी सिमोर। क्रिसमस ट्री बीन वंडरिंग जस्ट व्हाट यू मीन टू मी। ओह क्रिसमस ट्री स्टिल ड्राइव मी क्रेजी। ट्रेडिशन वी सेलिब्रेट। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज हमने व्लॉग करना समय पे ही शुरू कर लिया था। ओके, अब हम हिम्मत का होमवर्क कर रहे हैं और उसकी ब्रेक चल रही है। आज हिम्मत को पहली बार लेटर आया है, पहली बार उसके नाम पे उसके लिए। सो हिम्मत बहुत एक्साइटेड था अपने लेटर को लेके। ओके दोस्तों, सो आज सुबह मैं मेल बॉक्स चेक करके आई हूँ, तो मेल बॉक्स में सो फर्स्ट टाइम हमें लेटर मिला है। व्हाट्स द नेम ऑन द लेटर फॉर हिम्मत? सो हिम्मत का पहली बार लेटर आया घर पे और उसकी टीचर ने भेजा है, एंड ही इज वेरी एक्साइटेड। ओके, हियर यू गो, ओपन। Sure, it's a story. Woohoo, let's go to story. Aww, it's like adventure with your beautiful teacher. We're gonna read that. I'm so excited. You like it? Yeah. That was your first ever letter. Hello, mommy. So I got my Ipsy bag and इतना मज़ेदार बैग नहीं है ये, आजकल मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी सर्विस हमें बंद करवानी पड़ी। बेसिकली मैंने मेरे इप्सी में ज़्यादातर स्किन केयर की चीज़ें यूज़ की हैं, तो उसमें दो चार मास्क आ ही जाते हैं जो मुझे अच्छे लग जाते हैं, सो इसलिए मैं बंद नहीं कर रही हूँ। बट ऐसे कुछ खास नहीं है इसमें, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। सो पहली चीज़ है मास्क। ओह, द क्रीम शॉप के मास्क हैं, एंड ये क्रीम शॉप के प्रोडक्ट्स मैंने लास्ट टाइम विनर्स से भी लिए थे। सो हाइरोलॉनिक वाला मास्क है, आई लव इट, एंड क्लोजन एंड बेरी वाला है, दोनों मॉइस्चराइजिंग एंड प्लम्पिंग मास्क हैं। इनमें से एक को यूज़ किया जाएगा। सो ये नाइस एंड फ्लफी किस्म का बैग है, क्यूट है ये। सो इसके अंदर क्या है? चार चीज़ें हैं इसके अंदर। ये ना बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें देने शुरू कर दी उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी। सबसे पहले टिड्डी सा है, आई सिरम, हाइड्रेट्स एंड मॉइस्चराइज, पर्लिस ब्रांड से है, एंड देन है बाय बाय पोर्स इट कॉस्मेटिक्स, बाय बाय पोर्स प्रेस्ड पाउडर फ्रॉम इट कॉस्मेटिक्स, एंड ये ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हूँ मैं। इसका यह है कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप और ले सकते हैं, दैट्स गुड। मुझे एक्चुअली एलर्जी की मेडिसिन खानी पड़ेगी, बिकॉज नॉट मेरा आईज एंड नोज एंड ईयर्स बहुत ज़्यादा इची हो रहे हैं, एंड पानी निकल रहा है बहुत ज़्यादा, नाक से भी, आईज से भी, ईयर से नहीं निकल रहा। ओके, और ये क्या है? आई शैडो सिंगल वायलेट वॉज ब्रांड से, प्रिटी इन पिंक है शेड का नाम। सो दिस इज द शेड, इसको हाईलाइटर भी बना सकते हैं। पेपरमिंट क्रीम ऑर्गेनिक लिप बाम, लिप बाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं विंटर्स में, क्योंकि लिप्स बड़े अजीब हो जाते हैं। सो दिस इज दैट। ओतरी ये ना उसके जैसा है, ठंडा कूल कूल, बट्स एंड बीज, बट्स एंड बीज के जैसा। ओके, सो दिस इज दैट। सबसे पहले मैं खाने वाली हूँ मेरी एलर्जी की मेडिसिन, क्योंकि मैं तो बात भी नहीं कर पा रही हूँ, सो इची। आई विल बी बैक। मैंने और हिम्मत ने खाना ऑलरेडी खा लिया है, हमें उठते ही आज भूख लगी थी तो हमने कल वाली दाल के साथ फुल्का खाया है। शुरुआत करते हैं हमारे दिन के साथ, देखते हैं कि ये दिन हमें कहाँ पे लेके जाता है। और फिलहाल आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड बिकॉज ऑफ माय एलर्जी डस्ट, आई थिंक डस्ट, और मैंने दवाई खा ली है और मैं आपके पास वापस आती हूँ थोड़ी देर में बेटर हेल्थ के साथ, क्योंकि जो दवाई है वो कुछ समय में असर करना शुरू कर देती है। So I'll be back and we're gonna talk about some very important major topics for housewives and women. Okay, I don't know. अभी जो मैं मुँह में आ रहा बोल रही हूँ मैं, या करेंगे बात कि पतियों की खिंचाई कैसे की जाए। पतियों को खींच के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए कि
पतियों का क्या किया जाए। हमें हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बंदा लगता है वो है पति। पति को अगर आप मैनेज करके रखें सही तरीके के साथ, तभी ज़िंदगी हमारी स्मूदली चलती है। सो पति के लिए मैं कुछ टॉपिक्स लेके आऊँ, टिप्स लेके आऊँगी कि पति को तीर की तरह सीधा कैसे रखना है। अगर आपका पति सीधा रहेगा तो आपकी ज़िंदगी सीधी रहेगी। अगर पति हड़बड़ाया और इधर उधर हुआ तो फिर सारी चीज़ें ही हड़बड़ा जाएंगी दोस्तों। और जो भी ये मैं चीज़ें बोल रही हूँ इनका कोई भी मतलब नहीं है, पर मुझे मज़ा आ रहा है। सो सीरियस मत लेना कि मैं आपको रियली कोई ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, मैं नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ टिप्स आपके लिए कि आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। और पति यार, पति नहीं कर सकते मैनेज, पति बड़े ख़राब होते हैं। चलो दोस्तों, आई बी बैक, आई हैव नथिंग टू से एंड आई एम रैम्बलिंग नाउ एंड नॉट मेकिंग एनी सेंस। आई थिंक डस्ट मेरे दिमाग को चढ़ गई है। आई एम फीलिंग लाइक आई एम हाई ऑन डस्ट। या डस्ट could have been a painter, could have studied law. Instead you are my paintbrush, you're my curriculum. Could have been a sailor, could have been an astronaut. Instead I drive for miles just to get to where you are. I saw you out in Leicester Square, thought about you in the shower. I paid to watch you stand up there and gave you all. मैं कोशिश कर रही हूँ हिम्मत का होमवर्क करवाने की। काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास करने के लिए, बट मेरी एलर्जीज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। मैं स्नीजिंग बंद ही नहीं हो रही, तो मैं ब्रेक लेने वाली हूँ और मैं चाय पीने वाली हूँ और हिम्मत थोड़ा काम करेगा और उसके बाद लेटर वो भी ब्रेक ले लेगा। देन वी गोना डू इट लेटर। The potato chip. Banana, okay? Oh, I forgot. It's the lime, right? The arm. Then the skin. Body. Legs. Joint. Joint. Arms and hands. You sad? I want something. No, oh, it's coffee machine. Okay, this is something I was like. देख अभी बना रहा था। इट्स लाइक द साइकिल, यू राइड बिफोर द साइकिल, सो यू हैव टू मेक इट। लुक, मेक मेक। ओके दोस्तों, तो मैं नीचे अपने फर्नेस के पास देख के आई हूँ। जो फिल्टर था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था बहुत ही जल्दी। वैसे उसे हमने चेंज किया था कि कब किया था हमने उसे चेंज किया था मैंने मंथ पहले ही एंड शो मी। और उसमें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डर्टी हो चुका था, तो मैंने उसको चेंज करके आई हूँ। होपफुली थोड़ा बेटर हो जाए। और हमने थोड़ी देर विंडोज़ भी खोली थी सारी सर्कुलेशन के लिए, पर ठंड बड़ी है आज। पर या एंड मेडिसिन तो खाई ली मैंने। एंड देन यू हैव टू मेक सो मैनी मोर, वी हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट टूडे। ओके ओके, यू कैन टेक योर पोटैटो चिप्स ब्रेक। द वन ओवर देयर, हैलोवीन चिप्स नहीं होते पे। गॉड, बहुत ज़्यादा समय हो गया कि मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं हुई है। बहुत समय के बाद मैंने डील किया है, इसी वजह से मेरे पास दवाई भी नहीं थी, कुछ दिन पहले लेके आई हूँ मैं। ओके सो आई एम गोना टेक अ ब्रेक एंड
Have cha, garam garam cha. Nobody likes pink हस्बैंड का एक नया रूप आपके साथ शेयर करेंगे। आज उनमें MF हुसैन की आत्मा आ गई है, देखिए जरा। बूटे काले बनाई जाते, रैक हरा बनाई जाते, ल ल ल ल पेटियां वेच वेच के ते गुजारा कर लेना सी। ओ एदा लगा कोई अन्ना बना प्यारी हो ते तो ज्यादा चंगी बना लेने दोस्तों। पति ऐसे बना रहे जिवें अखा बंद करके बना रहे। केड़े कमरे च लाउणा पहला तू ये सोच ले लाउणा किथे प्यारी है। मैनूं लगदा सानू किसी ने लाण ही नहीं देना, बेकी बड़ा जाना ते बेडी बड़ी हो जानी है। इत्थे किसे अंबानी दे घर लगूगा। कला कला है, कला कुड़ी दे आ पोल भी है इत्थे। आ टेबल है, टेबल भी कमी दसो, कमी किथे रह गई है? कमी हुण लोकी दसणगे, अहीं की दसणा प्यार। गाइस हस्बैंड ने ये बनाया है इन्होंने इसको देख के। आप बताना कि कमी कहाँ रह गई है। मुझे लगता नहीं कोई कमी रह गई है। ये दोस्तों चेयर है, वो जो बड़ी कोई संदेश देना चाहोगे मीमी फैमिली नु? ग्रीन टी दे दो। मैं संदेश संदेश नहीं मैं देने थी ना कोई संदेश। लगता ओशन इज लाइक एवरीवेयर। ओ मीमी यू आर सच अ स्टोरी अबाउट मी एंड यू। ओ आई लव इट, डू मोर। And the beauty that we did pursue. दोस्तों सो आई एम बैक विद माई ब्यूटिफुल हेयर स्टाइल। जब मेरे बालों में से बहुत ज़्यादा ऑयल निकल जाता है तो मुझे तरह तरह के हेयर स्टाइल करना अच्छा लगता है, स्पेशली ब्रेड्स वाले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाती हैं। क्योंकि आपको अलग से कोई भी फिक्सिंग स्प्रे या फिक्सिंग प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यस, ये है मेरा रैंडम टाइम पास, तरह तरह के हेयर स्टाइल करना और बाद में उनको उखाड़ देना।
ऑलराइट दोस्तों, सो मेरे पास करने के लिए कोई भी बातें नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग कल बातचीत करेंगे। सो अब काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, मुझे नींद आ रही है और मैं नहाने के लिए अपस्टेयर्स आई हूँ, एंड देन हम जाएंगे डाउनस्टेयर्स एंड पिएंगे ग्रीन टी। एंड मम्मा विल गिव मी आइसक्रीम विद गमी बियर्स। यस, हिम्मत खाएगा आइसक्रीम विद गमी बियर्स। एंड आज हम ज़्यादा जल्दी नहीं सोएंगे, आज हम मोस्ट प्रॉब्ली मैं और हिम्मत देखेंगे कोई अच्छी सी क्रिसमस मूवी। बिकॉज़ आई हैव हॉलीडेज। या बिकॉज़ हिम्मत की छुट्टियाँ हैं तो मे बी हम लोग क्रिसमस मूवी देखेंगे। मुझे और हिम्मत को क्रिसमस मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है, और हमारी फेवरेट क्रिसमस मूवी है होम अलोन, और वो हमने बहुत बार देखी है, और मुझे लगता है कि वो नंबर वन हॉलीडे मूवी है, राइट मम्मी? या एंड वी ईट विद पॉपकॉर्न। जब होम अलोन मूवी आई थी तब हम छोटे हुआ करते थे, बट स्टिल आफ्टर सो मेनी ईयर्स ये मूवी स्टिल उतनी ही मजेदार है। आपको अच्छी लगती है वो? मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली पार्ट वन। टू भी अच्छा है, थ्री नहीं मुझे अच्छी, मुझे केविन अच्छा लगता है, थ्री में केविन नहीं है तो फिर मजा नहीं आता। No bad guys go to the police. Yeah. And they go to jail. दोस्तों आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा, अगर आपने किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल, द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट and take action. That's it. Easy peasy, lemon squeezy. And guys, the subscribe button is here, the bell button is here, the thumbs up button is here. Click them three. Click, 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 click. Now, okay? Bye! Celebrate.